हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिग्विजय सिंह। टुडे आई विल टीच द मैथ्स ऑफ क्लास 9th। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ट अबाउट दैट व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर एंड सॉल्व द फ्यू प्रॉब्लम्स अबाउट रिप्रेजेंट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर एंड फाइंड आल्सो abc। टुडे आई विल, मैंने कहा था ना आपसे, टुडे आई विल सॉल्व, I will teach you how can you represent a linear equation in two variable on the graph sheet. कि graphical representation, ठीक है? जब आप 10th में जाओगे तो वहां a pair of linear equation क्यों बनेगा, तो वहां पर दो दो equation का graph ड्रा होगा एक ही graph में। जब दो को ये दिमाग रखिएगा बेटा, जब भी किसी linear equation in two variable का graph ड्रा होगा तो उसका एक straight line जाएगा, और अगर straight line नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, तो टाइम इस समय वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा है। x plus y is equal to 4, पहला क्वेश्चन है x plus y is equal to 4, you have to draw the graph of this equation। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अदर वैल्यू। जनरली हम x को x एक्सिस मानते हैं और y को y एक्सिस। थोड़ा इस पर जान लें, हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपने 8th में पढ़ा रहा होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस एब्सिसा ऑर्डिनेट यानी क्वाड्रेंट। जब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ज्यादा डीपली बता देंगे आपको, बस इतना इसमें जानिए, अभी हम बता देंगे आपको। सबसे पहले इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड, यहां पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम x के टर्म में निकालेंगे और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने बताया था आपको फाइंड फोर सॉल्यूशन, तो मिनिमम थ्री सॉल्यूशन आपको फाइंड करने पड़ेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों, इसलिए क्योंकि आपने नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा होगा कि व्हेन थ्री आर मोर पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट्स होगा एक और केवल एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, तो मिनिमम थ्री सॉल्यूशंस आपको लेना है। अब यहां x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू -1 ले लें, x की वैल्यू 2 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, हम 3 ले, 3 ज्यादा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 4 माइनस 0 हो जाएगा यानी 4, y की वैल्यू क्या हो गई 4, 1 ले लें तो 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया, ठीक है। माइनस 1 ले लें तो 4 माइनस माइनस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 हो गए, 5 आ गए। 2 ले लें तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये जो वैल्यू आ गई तो हम x जनरली क्या होगा, x एक्सिस क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे आपके 0 4 1 3 माइनस 1 5 2। अब हम क्या करेंगे, आपने 8th में पढ़ा होगा व्हेन टू लाइंस वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस। ये ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है वो इनिशियल पोजिशन होता है, वही से हम सारे पॉइंट को चलते हैं। यहां से अगर हम इस पर चलेंगे, जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं उसे एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और जो डिस्टेंस हम y एक्सिस चलते हैं उसको ऑर्डिनेट करते हैं, और इन्हीं को लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सिस और ऑर्डिनेट, जैसे फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट, इनको क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट। हिंदी में इसको हम निर्देशांक कहते हैं, एब्सिसा को भुज और इसको कोट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो This is vertical line that is called y axis. This is horizontal line that is called x axis. जो भी distance हम x axis cover करेंगे वो abscissa, और अगर abscissa positive है तो इस origin के right side, negative है तो origin के left side. अगर ordinate positive है तो इसके ऊपर और origin के नीचे negative side. जैसे अब यहाँ 0 4, तो 0 क्या है, origin का coordinates क्या होता है, 0 0, यानी यहां पे एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है। जैसे हम घर से चले तो कोई डिस्टेंस का पता नहीं किया, घर हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। अब हम वहां से ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन अभी हमारा ओरिजिन प्लेस क्या है, हाउस। उसी तरीके से अब 0 4 तो 0 नहीं रहेगा,
फोर, पहला जो पॉइंट होता है वो एक्सिस है, दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट जीरो फोर, यानी फोर वन टू थ्री फोर। जब ग्राफ पे लेंगे तो ऑलरेडी उस पर प्रिंटेड होता है, आपको खाली डिनोट करना होता है। किसी डार्क लाइन को आप वाई एक्सिस बना दीजिए, किसी एक्स एक्सिस, ठीक है। उस पर वन थ्री वन एक्सिस है, इस पर चलना है पॉजिटिव और थ्री वन टू थ्री, यानी यहां आ जाएंगे। फिर क्या है माइनस वन फाइव, माइनस वन यानी यहां नेगेटिव है, इधर चलेंगे और फाइव यहां आ जाएंगे, इसके सीध में, इसके सीध में और इसके सीध में, माइनस वन और फाइव। टू टू यानी टू इधर टू इधर, आप देखेंगे जब आप इसको मिलाएंगे आप, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। ये क्या जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन, इस पर लिख देंगे आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, इस तरीके से। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन टू मेरे ग्राफ ड्रा करेंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो बेटा इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको, और बाकी इसमें तो ग्राफ ड्राई कर लेंगे, आप क्या करें जनरली y की वैल्यू x के टर्म में निकालिए, x की वैल्यू अपने मन से निकाल लीजिए, रख लीजिए, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। तो जो x की वैल्यू होगी वो एब्सिसा हो जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट, ये निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा, इसी को आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है आता है उसमें, ये तो आप आकेश कर लेंगे, जैसे आपको ड्रा करना है एक्स इक्वल टू थ्री का ग्राफ, तो ये देता है कि नंबर लाइन में ड्रा करिए, वन वेरिएबल नंबर लाइन है तो नंबर लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइन कहीं ड्रा कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या है, ये जीरो है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा ले लिया, माइनस थ्री कर लेते हैं, ये वन टू थ्री, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये पी हो गया एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ये हो गया एक्स इक्वल टू थ्री। लेकिन जब टू वेरिएबल की बात होगी, तो जब भी बेटा इस टाइप का ग्राफ ड्रा करना होगा एक्स इक्वल टू समथिंग, ये समझ लीजिए किसी ने किसी एक्सिस के पैरेलल होगा, ने बता रखा होगा, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, आपको एट में पढ़ाया गया होगा कि अगर एक्स इक्वल टू समथिंग है तो वो लाइन हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो लाइन हमेशा कहा जाती है। अब देखिए एक्स इक्वल टू थ्री है ना, इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में लिखे, एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इक्वल टू थ्री। अब क्या करें, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, x इक्वल टू थ्री माइनस जीरो इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह बना लीजिए, ठीक है बेटा, यहां x यहां y, कोई जरूरत नहीं, आप y की वैल्यू अपने मन से रख लीजिए, y की वैल्यू जीरो लिखेंगे तो थ्री होगा, y की वैल्यू वन रखेंगे तो जीरो बन जाए जीरो तब भी थ्री होगा, टू रखेंगे तो भी थ्री होगा, आप देखेंगे माइनस वन रखेंगे तो भी थ्री होगा, यानी x की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं, तो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब थ्री जीरो वाला पॉइंट क्या है बेटा, थ्री जीरो थ्री वन थ्री टू थ्री माइनस वन, तो अब देखेंगे ये ओरिजिन है जीरो, तो वन टू थ्री, थ्री जीरो है तो यही रहेगा, थ्री वन देखिए थ्री इस पर चलेंगे वन इस पर चलेंगे यही रहेगा, थ्री टू इसी पर रहेगा, थ्री माइनस वन इस पर चलेंगे। आप क्या देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से, हमने कहा ना अगर x इज इक्वल टू समथिंग है ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री, तो जब x इज इक्वल टू समथिंग होगा तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये होता है इफ x इक्वल टू a, a इज एनी रियल नंबर, देन द लाइन ऑन द ग्राफ इज पैरेलल टू, हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल टू समथिंग है तो हमेशा, मतलब जब x इक्वल टू समथिंग होगा तो वर्टिकल लाइन जाएगी, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस की, y की वर्टिकल होता है, और y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे इक्वेशन लेकर खुद एक गेम की तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कि मैथ्स इज आल्सो अ गेम, जितना आप उससे खेलेंगे उतना आपको आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो इस चैलेंजिंग टाइम में डोंट मिस योर टाइम, ऑलवेज यूज योर टाइम इन राइट वे, अच्छे वे में यूज करिए और अच्छे से अच्छा काम करिए, ठीक है, अच्छे से अच्छा काम करिए, पढ़ाई करके अपना नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए और आगे बढ़िए। आई होप आई विश टू गॉड यू ऑलवेज बी ग्रो इन योर फ्यूचर और
और सबसे ब्राइट फ्यूचर आपका होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड गुड लक। थैंक यू।